चेक करके बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। आज हम दोबारा राइड पे निकल रहे हैं, आज हम जा रहे हैं पानीपत। ठीक है, आपको रास्ते में मूर्थल भी पड़ेगा, वहाँ भी रुकेंगे, और मूर्थल भी जो अमरीश सुखदेव का ढाबा है तो वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। पहले यार हम अपने घर से बाहर निकलते जा रहे हैं, गेट से बाहर निकलें, गेट खोल के अपना चलो फिर सीढ़ियों में अभी अपनी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जा रहे हैं फटाफट। हाय तो कर दो। हाँ देखो जी, हमारे अंकल जी साढ़े ग्राउंड फ्लोर वाले, कुछ कहना चाहते हो सब्सक्राइबर नो? अरे पहले काम करवा ली, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अंकल जी यार देखो, यार काम कराने कहाँ घुस गए तुम दोनों अंदर? ये यार देखो जी, दरवाजा बंद कर दो, फ्लोर चढ़ रहा है यहाँ पे, कुछ काम कुम चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी अब देखो क्या होता है वहाँ पे, कोई किराएदार आता है, मकान मकान ले जाता है। ये लीजिए अपनी बाइक लूना, जिसको हम प्यार से लूना बोलते हैं। चलो बाकी आप सीधा राइट पे चल के बात करते हैं। ठीक है, अभी तो पहले वाइफ के घर जाएंगे, अपनी मम्मी जी के घर रहने के लिए गए हैं, साथ में बेटा भी गया हुआ मेरा, मतलब अपने फादर इन लॉज के यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये वीडियो के लिए से लेफ्ट ले लेंगे, ये वाला मकान है जी इनका। लो जी हम पहुँच गए यहाँ पे। 20 मिनट्स लेटर। चलो जी हमने मैप लगा लिया है, पानीपत विराट नगर जाना है हमने। ठीक है, अभी तो रॉन्ग साइड पे ही जा रहे हैं उत्तम नगर से निकलते हुए। ठीक है, पानीपत जाएंगे विराट नगर, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। दो घंटा 22 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो पता नहीं आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा। अब यहाँ से पहले अभी हम थोड़ा सा पेट्रोल भरवाएंगे बाइक के अंदर, थोड़ा सा बाइक में भी है, थोड़ा सा और भरवा लेंगे। ठीक है, और बाकी आपको दिखाते हैं आगे हाईवे रोड पे चल के। मेरी फर्स्ट राइड होगी, मतलब 100 किलोमीटर की है, 100 जाना 100 आना, मतलब 200 किलोमीटर हो गया टोटल, 200 किलोमीटर। अभी तो मैं सिर्फ आपको वन साइड ही दिखाऊंगा, सिर्फ जाने जाने की, आने का तो व्लॉग बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे मेमोरी कार्ड में इतनी स्टोरेज नहीं है, 16 GB है। आने वाले टाइम में इसको भी अपग्रेड करेंगे। आगे PVC पाइप लेके जा रहा है, उसके चक्कर में ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है। अरे वही चलान वाले खड़े हुए हैं, लेडीज़ की चलान काट रही है, इनसे तो बहस करना ही बेकार है, चलान करती है। वैसे तो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आर्ग्यूज तो करना ही नहीं चाहिए। यार ये जाम इतना है ना यहाँ पे, सिग्नल तो ग्रीन ही है आगे वाला, फटाफट निकाल लेते हैं। थोड़ा विकासपुरी से ना थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं, काम चल रहा है यहाँ पे, नई मशीन लगी है पेट्रोल की, यहाँ पे तो नया कनेक्शन हो रहा है पेट्रोल पंप का, फ्यूल डलवाने वाले के लिए।
गर्मी और भीड़ दोनों ही परेशान कर रही है। किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, काफी लंबा सफर है। चला जी हमारी बारी आ गई पेट्रोल भरवाने की। ये भाई तो उधर भाग गया पेट्रोल डालने वाला। अरे यार 105 रुपये लीटर हो गया जी पेट्रोल। भाई क्या रेट चल रहा है 105 रुपये? भाई 200 का डाल देना। नॉर्मल कर गया 200। 2 लीटर भी नहीं आया। अच्छा भाई पेटीएम दे देना। चलो जी पेट्रोल भरा लिया, निकल गए यहाँ से। अब हम चलो जी बैठो जी। चले कि यहाँ पे बच्चों की भी छुट्टी हुई है। यहाँ पे जाम वगैरह आ रहा है, अभी स्कूल वगैरह खुल गया ना सब बच्चों के कोरोना के वास्ते। बट केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं दिल्ली में कोरोना के। पता नहीं सरकार क्या कर रही है या बीमारी कुछ कर रही है, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं लॉकडाउन दोबारा लगेगा नहीं लगेगा, सारे टेंशन में हैं इस टाइम। बट उम्मीद तो नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, बाकी 10% उम्मीद है कि लग सकता है, बाकी 90% उम्मीद नहीं है। देखो यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो रहा है। देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी से हो रही है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लो। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ रील्स वगैरह फोटो वगैरह क्लिक करता रहता हूँ, ठीक है। और यार जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दो। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो बाकी हम बाहर मेन रोड पहुँचने वाले हैं।
बस पहुंच चुकी है करनाल वाले रूट पे, वहाँ से आप सीधा जाएंगे। जितनी भी ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है, ये कचरे की ढेरी है, ढेरी इतना कचरा इकट्ठा हुआ बड़ा दिल्ली के अंदर। देखो वो देखो ऊपर भी वो पहाड़ नजर आ रहा होगा आपको, कचरे का ढेरी लग रहा है वो सामने। चलो जी अब हम हाईवे रोड पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा यहाँ से पहले राइट कर देते हैं, राइट कर दिया हमने। चलो वहीं से पहुंच के आपसे बात भी हो गया। देखो जी ये हाईवे पे भी थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा। और सबसे बदनाम हाईवे है ये पंजाब वाला, से पंजाब वाला रोड चला। आज नहीं यहाँ पे तो कितना कुछ केस होते रहते हैं, और जो भी मेरे भाई लोग जो मोटर व्लॉगिंग या राइडिंग वगैरह करते हैं या गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं, प्लीज़ यार केयरफुल होके चलो। और रात के टाइम तो वैसे ही नहीं चलता पता चलता है यहाँ पे, देख रहे हो कितना गहरा है ये, बहुत गहरा ये बना पड़ा है। और अभी यहाँ पे काम चल रहा है और लग जाएंगे इसको आने वाले एक दो तीन चार साल और लग जाएंगे इसको कम्प्लीट होते होते, अगर हो जाएगा तो सबसे बढ़िया रूट हो जाएगा ये वाला। चलो बाकी आगे चल के बातचीत करते हैं आपसे। ब्रेक सुखदेव पहुंच चुके हैं हम, यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक लेंगे उसके बाद आगे राइड को कंटिन्यू करेंगे। बाइक पार्किंग पता नहीं कहाँ पे है, और यार यहाँ पे तो धूप इतनी हो रही है तो जला देगी अच्छे से, उधर से यू टर्न लेना पड़ेगा लग रहा है। हेलो गाड़ी को छाए में लगा देते हैं, बाइक भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे अब तक। चलो जी बाइक भी लगा दी है, अब जा रहे हैं अंदर ढाबे के अंदर, देखे क्या है आगे। पराठे ही मशहूर सुने हैं आगे तो, क्यों भाई? यस आलू के पराठे भाई, गर्मी इतनी हो रही है ना बता नहीं सकते। हाईवे रोड पे 120 की स्पीड में गाड़ी भाग रही थी, लग नहीं रहा था कि 120 पे भाग रही है, कभी भगाई नहीं ना इतनी बुलेट, 40-60 40-60 80 ज़्यादा ज़्यादा इससे ऊपर कभी भगाई ना। आज 120 की स्पीड भागी है, आज बाइक पूरी रमा हो गई थी मेरी, फर्स्ट टाइम आया आज यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आया लॉन्ग रूट पे, बाइक पे तो फर्स्ट टाइम ही है मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी अंदर चल के दिखाते हैं आपको। देखो जी ये अमरीक सुखदेव की एंट्रेंस है, सामने देख सकते हैं ये फाउंटेन वगैरह यहाँ लग रहे हैं और गाने भी चल रहे हैं। ये देखो कड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो मन प्रसन्न हो गया यहाँ पे, ठंडा ठंडा आ गया, भीड़ ही भीड़ हो रही है अंदर भी, देखो चेक करो लाइटिंग वगैरह बढ़ जाता है भाई, जिसने पूरा दिन यहाँ बैठना होना यहाँ बैठ सकता है, लस्सी लुस्सी एक गिलास लेके बैठ सकता है। कुछ खाना है यहाँ से, लस्सी लुस्सी पिए, लस्सी 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 पी लेंगे। यहाँ से अमरीक सुखदेव के ढाबे से हम निकल चुके हैं, वापसी अब जा रहे हैं। वापसी अब जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, पहुँचने के लिए रेडी हैं।
डिस्टेंस अभी 41 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 41 किलोमीटर आपको पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 41 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। चलो ये टोल हमने क्रॉस कर लिया, रोड एकदम खाली है तो बाइक चलाने का मजा भी कुछ हो रहा है, रोड खाली ना हो तो मजा भी नहीं आता। कितना कीचड़ हो रहा है यहाँ पे, धूल मिट्टी कितनी हो रही है यहाँ पे, धूल मिट्टी कितनी थी। हाँ हाँ बस पहुँचने वाले हैं, 6 किलोमीटर रह रहे हैं यहाँ से अब अपना। नॉर्मल सड़क पे चल रहा है, टू लेन है वो भी, वो टू लेन है वो थ्री लेन है। ठीक है जी, मंदिर भी यहाँ से ज़्यादा दूर ना है, मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है, फ्लाई ओवर का टूर बनाया हुआ है इन्होंने जी। आई थिंक नीचे ये फ्लाई ओवर के नीचे शायद रेलवे स्टेशन है, आपके भी देखते हैं वहाँ से। तो जी पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन। अरे कहना क्या चाहते हो? लो जी हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे विराट नगर। ये रहा मंदिर जी, देख लो पानीपत में आई है विराट नगर, खाटू श्याम जी का मंदिर है यार। वहाँ से फाइनली हम मंदिर से भी हो आए, ठीक है अब मंदिर से होने का था बाहर मेन रोड पे आ चुके हैं, जो दिल्ली करनाल हाईवे रोड है, ठीक है। और बाकी आगे चलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लो, जो भी मैं वीडियो अपलोड करो उससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको दिल्ली से पानीपत का आप लोग कैसे लगा, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट राइड के साथ, बाय बाय, टेक केयर।